रहर की फसल में सबसे ज़्यादा नुकसान फल छेदक कीड़े से होता है, जिसका सीधा असर फसल की उपज एवं अगले बीज की गुणवत्ता पर पड़ता है। फल छेदक कीड़े से बचने का सबसे बेहतर उपाय है कि हम फसल में इसके आने की संभावना को ही खत्म कर दें या कम कर दें, और इसके लिए हमें रहर में फूल लगने की अवस्था से ही बचाव का उपाय करना होगा। कुछ जैव कीटनाशी हैं जिनका प्रयोग अगर हम रहर में फूल लगने की अवस्था से शुरू कर दें तो इसमें फल छेदक कीड़े की आने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। एक ऐसा ही जैव कीटनाशी है नीमास्त्र। नीमास्त्र एक कीटनाशी दवा है जिसका प्रयोग हम फसल में लगने वाले छोटे छोटे कीट एवं उनके अंडों के नाश के लिए करते हैं। नीमास्त्र के मिश्रण को अच्छी तरह छानकर इसमें बिना पानी मिलाए हमें स्प्रेयर की मदद से फसल पर इसका छिड़काव करना चाहिए। रहर की फसल में फल छेदक कीड़े से बचाव के लिए समय पर नीमास्त्र का प्रयोग बहुत जरूरी है। रहर की फसल में फूल लगने की अवस्था से शुरू करके फली लगने की अवस्था तक हर 10 दिन के अंतराल पर नीमास्त्र का प्रयोग बहुत जरूरी है। 20 डिसमल की फसल के लिए लगभग स्प्रेयर की एक टंकी यानी 15 लीटर नीमास्त्र का प्रयोग एक बार में करना चाहिए। रहर की फसल में नीमास्त्र का प्रयोग करके आप इसे फल छेदक कीड़े से बचा सकते हैं। अब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि रहर की तुड़ाई और भंडारण कैसे करते हैं। तब तक आप बताई गई विधि से नीमास्त्र का प्रयोग करते रहिए। अरहर की फसल को फल छेदक कीड़े के प्रकोप से बचाने के लिए फसल में फूल लगना शुरू होते ही हर 10 दिन पर नीमास्त्र का छिड़काव करना बहुत जरूरी है, और इसका प्रयोग तब तक करें जब तक पौधों में पीला फूल दिखता रहे।